लवली आनंद जो है वो मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, नीतीश के नाम पे वोट नहीं मांग रही है, ऐसा है क्या? तो जंगल राज को वापस लाना चाह रहे हैं तो वो तो ये सब बोलेंगे ही। तेजस्वी कल कह रहे थे, सीहोर में आए थे, वो कह रहे थे कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हूँ, हमारी तीन जो पीढ़ी है उन्होंने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। हम मानती है कि लालू यादव से जो अदावत किया था आनंद मोहन ने, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। रितु जायसवाल झूठ बोल रही है, कोई आईएएस की पत्नी नहीं है। देखिए लगातार हम तीन दिन से शिविर में बने हुए हैं, जनता का मूड हमने आपको दिखलाया और अभी हमारे साथ सुरभि आनंद है, लवनी आनंद और आनंद मोहन जी की बेटी, जो लगातार अपने माता को जिताने के लिए शिविर में डटी हुई है। लगातार आप बैठी हुई है, अभी तक रिस्पांस जो मिला है उससे क्या लग रहा है, कहीं कोई मुकाबला है या जो विपक्षी माहौल बना रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है? देखिए हमें रिस्पांस नहीं, हमें प्यार मिल रहा है, हमें सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे खोचा भर के प्यार मिलता है और मैं लोगों ने मुझे यहाँ पे बचपन से देखा है, बड़े होते हुए देखा है, हमारे संघर्ष को देखा है, गोद में खिलाया है। ना जाने जहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, किसी भी वर्ग के हो, कोई भी धर्म के हो, सभी लोगों ने उतना ही सबसे उतना ही प्यार मिल रहा है, उतना ही आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन सबका एक माइंडसेट है, सबने एक ठान लिया है कि अगर सरकार बनानी है तो एनडीए की सरकार बनानी है। देश का जो बागडोर है, एक सशक्त हाथ हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में, मोदी जी के हाथों में सौंपना है और हम जो परिकल्पना कर रहे हैं देश को आगे ले जाने की, वो तभी संभव है जब नेता जो हमारे जो प्रथम सेवक है, जो प्रधान सेवक है, वो एक मजबूत आदमी हो। और इसीलिए सभी लोग एकजुट हुए हैं, जात पात से आज ऊपर उठे हैं और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देख रहे होंगे हर जगह का क्या माहौल है और कितना अच्छा रिस्पांस है। जो टारगेट किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, कल मैं एक रितु जायसवाल का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रही है कि लवली आनंद जो है वो मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, नीतीश के नाम पे वोट नहीं मांग रही है, ऐसा है क्या? अगर मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, उन पर विश्वास दिखाया है, उनको पता है कि वो इस विश्वास के मतलब वो इस बात पे खड़ी रहेंगी, उन्होंने निस्वार्थ भाव से जनता के यहाँ पे पिछले 15 साल से यहाँ सेवा की है, एक बहू होने के नाते आप सब जानते हैं कि वो सांसद रह चुकी हैं वैशाली की, और वैशाली बगल में ही आप वहाँ के लोगों से भी पूछिएगा, वो बताएंगे, आज भी गुणगान करेंगे। मेरे पिता यहाँ पे 2 बार से यहाँ पे सांसद रहे थे, 96 और 98 में, और महज 27 महीनों में उन्होंने जो काम किया था, मैं जहाँ जाती हूँ लोगों से ही सुनती हूँ कि उनकी इन्होंने कितना सारा यहाँ काम किया था, अफसरशाही पे लगाम लगाया था, घुसखोरी पे लगाम लगाया था, भ्रष्टाचार पे, तो ये सारी बातें हैं। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी जिन्हें विकास पुरुष माना जाता है, आपने देखा कि उन्होंने कितनी सारी लाभदायक योजनाएं निकाली है, जन जन के बारे में सोचा, देश हित में सोचा, जनहित में सोचा है। अब जो विपक्षी है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, वो जंगल राज को वापस लाना चाह रहे हैं तो वो तो ये सब बोलेंगे ही। उनके पास जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता वही जात पात में लोग। तेजस्वी कल कह रहे थे शिविर में आए थे, वो कह रहे थे कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, लगता है ऐसा होगा? मैं जहाँ जा रही हूँ लोग बोल रहे हैं लालू जी की पार्टी को हटाओ, कांग्रेस को हटाओ, देश बचाओ, क्योंकि देश हित में सोचने की बात है। आपने देखा कांग्रेस का जो अपना ऑलमोस्ट क्लोज टू 70 ईयर्स, और आपने देखा मोदी जी का 10 साल, आपने जंगल राज के 15 साल देखे और आपने 15 साल विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के देखे। जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मूड बना लिया है, वो जो डर आज लोगों के मन से जो भगाया, सबसे पहली उपलब्धि अगर है नीतीश कुमार जी की, उन्होंने लोगों के मन में जो बैठा डर था उसको भगाया और उसके बाद उन्होंने सड़कें सुरक्षित की, तब जाके लोग बाहर निकले, बच्चियां बाहर निकली, साइकिल दे ताकि वो स्कूल की ओर जाएं। तो ये सारी चीजें जो है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक देश जब देश जात पात से ऊपर उठता है तभी वो इन सब चीजों के बारे में सोच सकता है, जब डर से ऊपर उठता है, जब भय से ऊपर उठता है, तब वो विकास के बारे में सोच सकता है। तो जी आप अपने पिता के कामों को गिना रही है और जनता के बीच जब हम थे तो वो भी ये कह रहे थे कि आनंद मोहन ने कितने पुल बनवाए हैं, क्या क्या किया है, वो तमाम चीजें बता रहे थे। लेकिन विपक्ष के द्वारा बार बार एक जब टैग दिया जाता है बाहुबली बाहुबली और बंदूक बनाम कलम की लड़ाई, तमाम चीजें बोली जाती हैं, तब एक बेटी उसे कैसे डिफेंड करेगी? देखिए मैं एक एडवोकेट हूँ और अगर मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाईकोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और ये मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी कि आप आज बात कर रहे हैं कलम की और तलवार की और जो भी अन्य चीजें जो मुझे आपके माध्यम से पता चल रहे हैं,
तो मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो परिवार, अगर हम निजी हमला आप कर रहे हैं तो मैं अपने परिवार को डिफेंड करना चाहूंगी। हमारा जो परिवार है शिक्षित परिवार है, एक बहुत ही संघर्ष से ऊपर उठा हुआ एक परिवार। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हूँ। हमारी तीन जो पीढ़ी है उन्होंने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। मेरे परदादा जी और पर नाना जी और नाना जी और दादा जी सभी लोग देश के आंदोलन में, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ी थी उसमें वो लोग उन्होंने कुर्बानी दी थी, तो सभी लोग ये बात जानते हैं। और मेरे पिता जेपी सेनानी रह चुके हैं, जेपी आंदोलन में वो कूदे थे। और आज जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, जब पूरा बिहार जल रहा था जंगल राज में, आप दिल्ली में बैठ के सुख भोग रहे थे, अगर जमीन पर कोई लड़ाई लड़ रहा था तो वो आनंद मोहन जी और लवली आनंद जी थे। उनको खामियाजा ये हुआ कि उनको फर्जी केस में फंसा के उनको अंदर किया गया। और सभी लोग जानते हैं कि जंगल राज के लिए, जंगल राज में अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ता था तो उनके ऊपर फर्जी केस कर दिया जाता। आप मानती है कि लालू यादव से जो अदावत किया था आनंद मोहन ने, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? बिल्कुल वही मैं बता रही हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप पढ़ेंगे कि उनके ऊपर कोई हत्या का मामला नहीं है, उनके ऊपर भड़काऊ भाषण का मामला है। और आपने जो पिछले अपना प्रश्न किया था, मैं उसका जवाब देना चाह रही थी, कलम तलवार वाली बातें। तो हमारा जो परंपरा है वो हमें कलम को भी उतना ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की का सम्मान करना सिखाता है। तो हमारे यहाँ मेरे परिवार में लवली आनंद जी जो एनडीए प्रत्याशी हैं, वो डबल डिग्री होल्डर है, उन्होंने जमशेदपुर यूनिवर्सिटी से, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से पढ़ाई की है। आनंद मोहन जी जब कलम उठाते हैं तो उनकी कलम से दशरथ मांझी जी के ऊपर लिखी जाती है कहानी, उनके उन्होंने चार चार किताबें लिखी हैं। और उन सबसे बड़ी जो हिंदी जो पब्लिकेशन है, वो सबसे बड़े पब्लिकेशन में उनकी किताबें पब्लिश हुई हैं। और उनकी कहानियां और उनके जो कविताएं हैं उनको पढ़ के बच्चे स्कूल में 8th क्लास जो CBSE के बोर्ड में, आप सभी लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चेतन जी से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि रितु जायसवाल झूठ बोल रही है, कोई IAS की पत्नी नहीं है। वही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने खुद ये बात को कबूल किया, उन्होंने पहले अपने हस्बैंड का इस्तेमाल करके IAS बोल के किया, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि जनता बेवकूफ नहीं है तो उन्होंने कबूल किया, नहीं वो IAS नहीं है। आप ही कुछ दिन पहले, पिछले महीने ही उन्होंने शायद ये रिवील किया। आप पुराने भी उनके निकालेंगे तो आपको रिकॉर्ड्स में कहीं पे भी उनके हस्बैंड का नाम नहीं दिखेगा, कौन से जिला के थे, कहाँ से थे, क्या थे, वो नहीं थे। वो इंडियन ऑर्डिनेंस सर्विस फैक्ट्री के ऑफिसर थे, जिनके ऊपर आप सभी लोग जान रहे हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम अपने मंच से किसी की आलोचना नहीं करते हैं। भाभी भी आपकी चुनाव प्रचार कर रही है, चलिए आप तो ठीक है राजनीति में नहीं है लेकिन आपने अपने माता पिता को देखा है, चेतन जी विधायक है वो भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, लेकिन भाभी भी लगी हुई है, हमने उनका भी इंटरव्यू किया है कि और जनता से पैर छू के आशीर्वाद मांग रही है, पूछा उन्हें भी मिल रहा है, आचर फैला के वोट मांगनी है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? लगा था कि भाभी जो है वो ये कर पाएंगे। हाँ, नहीं देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब परिवार पे निजी हमले होंगे, हमें कोई किसी को जरूरत नहीं थी आने के लिए। आनंद मोहन जी यहाँ के बेटा है, लवली आनंद जी यहाँ की बहू है, शिवहर की बहू है, तो हमें किसी को जरूरत नहीं। पर अगर आप जाएंगे और निजी हमले करेंगे तो पूरे परिवार को डिफेंस में उतरना ही पड़ जाता है, तो इस पे मैं क्या बोलूं। और पूरा परिवार एकजुट है और हमारा जो पूरा शिवहर परिवार है वो सभी एकजुट है, सबने ठाना है कि अब की बार 400 पार। आप लगे हुए माता जी के लिए, तो हस्बैंड कुछ कहते हैं कि नहीं वहीं पे रहो? जी, सभी लोगों का सपोर्ट है, सभी लोग साथ में हैं, और इसमें मैं क्या बोलूं, सब लोग साथ हैं। उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, सब मॉडर्न लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी के सपोर्ट या नहीं मिलेगा। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा, मार्जिन क्या देख रही है शिवहर में? मैं मार्जिन क्या बताऊं, आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता खुद बोलती है 4 लाख पार। हम कहीं से जा रहे होते हैं, कहीं रुक रहे होते हैं, वहाँ आशीर्वाद लेते हैं तो लोग बोलते हैं 4 लाख से जय जय होगा, तो इसीलिए। चलिए 4 लाख से जय जय होगा ये कहना है सुरभि आनंद का, पूरा भरोसा है जनता पे, उम्मीद है, और जो निजी हमले हो रहे हैं उस पे वो दुखी है, और रितु जायसवाल पर उनका कहना है कि निजी हमला ना करे बल्कि मुद्दों की लड़ाई करे, उनके पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास मुद्दे हैं, और हम मोदी के नाम पर, नीतीश के विकास के नाम पर लोगों के पास जाकर वोट मांग रहे हैं।